अस्सलाम वालेकुम। मैं लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बस 10 सेकंड में जो है वो अभी शुरू करता हूँ प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मेरा नाम इस्फंदियार है और मैं जनरल मैनेजर हूँ द सिटीजंस फाउंडेशन में। मैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कम्युनिटी आउटरीच जो है वो TCF में देख रहा हूँ। मेरा रिश्ता जो है TCF से पिछले 9 साल से है, 2 साल मैं एज वॉलंटियर जो है TCF के साथ काम करता रहा हूँ और पिछले 7 साल से मैं एज फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो TCF में काम कर रहा हूँ। आप सब की शमूलियत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग पाकिस्तान में हैं उनका भी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु डोंट हैव अपडेटेड नॉलेज अबाउट TCF, मैं आप लोगों से ये बताता चलूँ कि TCF जो है वो पिछले 25 साल से जो है वो तालीम के शुबे में जो है वो काम कर रहा है। TCF स्कूल चलाता है और 1996 में TCF ने 5 स्कूलों से स्टार्ट लिया था जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1652 स्कूल यूनिट्स जो हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान 700 लोकेशंस में हो चुके हैं। इन स्कूलों में जो है तकरीबन 2,67,000 बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेल्स फ्रॉम द ट्रेंचेस बाय TCF अलमनाई। हमें जो है वो हमारे अलमनाए जो हैं वो बताएंगे कि COVID-19 के हवाले से स्पेशली किस तरह से उन लोगों ने जो है वो काम किया और किस तरह से जो है जो ज़रूरतमंद लोग थे उन तक जो है वो मदद जो है वो पहुंचाई। मैं समझता हूं कि TCF पिछले 25 साल में अगर कोई असासा बना सका है तो TCF का असासा जो है वो उसके अलमनाए हैं, वो उसके टीचर्स हैं और उन्हीं के हवाले से जो है हम आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज करता हूँ। हमारे साथ पैनल में जो हैं वो सिद्रा इकबाल साहबा हैं जो कि एक सेलिब्रेटेड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी इन्फ्लुएंसर हैं और शी इज अगेन वेल नोन पर्सन फॉर हाईलाइटिंग कॉजेज ऑफ सब्सटेंस and real issues through her media work. 12 साल से जो है वो mainstream television journalism के अंदर जो है वो काम कर रही हैं, politics, global affairs and socio-economic issues पर ज़्यादा issues जो हैं उनके ऊपर बात करती हैं। खुश आमदेद करता हूँ मैं सिद्रा इकबाल साहबा का for joining us tonight for the webinar. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा। हमारे दूसरे जो participant हैं वो हसीब सईद हैं। हसीब सईद जो हैं वो अपना बैचलर्स जो है वो परसू कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन फ्रॉम FC कॉलेज लाहौर। TCF के साबिक तालिब इल्म हैं। COVID-19 रिलीफ में जो है उन्होंने पेश अपना फराइज जो है वो अंजाम दिए हैं और TCF को बहुत मदद दी है मुस्तहक लोगों तक जो है वो कैश पहुंचाने में। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसीब हमारे साथ ज्वाइन करने का, थैंक यू वेरी मच। लास्ट बट नॉट लीस्ट शब्बीर खान। शब्बीर खान जो है जितना भारी नाम है उनका उतने ही भारी काम है उनके माशाल्लाह। शब्बीर जो है वो भी TCF के साबिक तालिब इल्म हैं और TCF COVID-19 में उन्होंने अपने इलाके में बहुत कलीदी किरदार जो है अदा किया है। ही इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्राम गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सो बिफोर आई अगेन गो टू द पैनलिस्ट, वील जस्ट हैव सी अ शॉर्ट वीडियो जो हमने पिछले 1.5 महीने में जो भी काविश TCF की रही है रिलीफ एफर्ट के हवाले से वो हम देखते हैं एंड फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम का जो हिस्सा जो है वो बाकी शुरू करें। Thank you.
TCF की COVID-19 रिस्पॉन्स अपील के तहत मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। जैसा कि आपको इल्म है, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले TCF ने यह अज़्म किया था कि हम अपने अलमनाए और टीचर्स के ज़रिए उन बस्तियों में इमदादी रुकून पहुंचाएंगे, जहां हमारे स्कूल्स वाक़े हैं और जिनके रहने वाले इस बहरान की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब की मदद से TCF अब तक 108 बस्तियों में तकरीबन 26,000 घरानों तक इमदादी रुकून या राशन पहुंचाने में कामयाब हो चुका है। इस इमदाद की कुल रकम 5,70,00,000 रुपए बनती है। ये वो घराने हैं जहां लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का जो भी थोड़ा बहुत तवाज़ुन था वो बरकरार नहीं रहा। आमदनी बिल्कुल रुक गई है, ज़रूरियात जूं की तूं हैं और गुज़र बसर करना बेहद दुश्वार हो गया है। इन घरानों में 82% 82% घराने ऐसे थे जहां बुनियादी ज़रियाए माश किसी डेली वेज वर्कर की रोज़ाना की आमदनी थी और लॉकडाउन की वजह से अब वो आमदनी बिल्कुल नहीं रही। मज़ीद 10% घराने ऐसे लोगों के थे जिनको या तो अभी तक महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी या वो इस बहरान की वजह से बेरोज़गार हो गए थे। ये पूरा रिलीफ एफर्ट हमारे अलमनाए और टीचर्स की रजाकाराना मेहनत और जज्बे के बगैर नामुमकिन होता। यही वो एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज हैं जिनके ज़रिए TCF माशरे में मुस्बत तब्दीली पैदा करना चाहता है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं उन तमाम सपोर्टर्स के जिन्होंने अपनी ज़कात, सदक़े और अतियात के ज़रिए इस इमदादी मुहिम को मुमकिन बनाया और उन तमाम वॉलंटियर्स के भी जिन्होंने TCF का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया। हमारी बस्तियों में इस इमदाद की आज भी शदीद ज़रूरत है। रमज़ान के इन आखिरी कुछ दिनों में आप सब से ये गुजारिश है कि अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात के ज़रिए इस कार्य खैर में TCF का और हमारे नौजवान रज़ाकारों का हाथ बटाएँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मेरे ख्याल से वीडियो जो है वो शायद बीच में वो हो गया लिंक। मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो बीच में आए हैं। सो बिफोर आई गेम स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बताता चलूं कि TCF जो है वो एक मैचिंग कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर रहा है। And that is a great news because you can actually double your impact till tomorrow midnight. कल रात 12 बजे जुमे तक जो है वो आप जो भी support donations जो है वो TCF को देंगे, आप जो है वो अपना impact जो है वो double कर सकते हैं। हमारे तीन donors हैं जो कि बहुत generously उन्होंने जो है वो and graciously offer किया है to match up till 48 million rupees. 4,80,00,000 रुपए तक जो है वो मैच करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो वो जो है उसके साथ दो बच्चों को, एक बच्चे को और वो सपोर्ट करेंगे, तो आपकी एक सपोर्ट जो है वो दो बच्चों के बराबर जो है वो हो जाएगी। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि दिल खोल के जो है कल तक जो है वो अतियात दें अपने ज़कात सदक़ात डोनेशन जो है, और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं वो ऑनलाइन डोनेशंस कर सकते हैं और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वो चेक कैश पिकअप की फैसिलिटी जो है वो भी अवेल कर सकते हैं। तो मैं जो है सबसे पहले हसीब जो है वो आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप माशाल्लाह FC कॉलेज में जो है वो लाहौर के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत माशी मसाइल भी आपने देखे हैं, एंड यू स्टिल केप्ट गोइंग। आप मोटिवेटेड रहे आगे पढ़ने में और आपने इन मुश्किलात को जो है वो बिल्कुल साइड पे परे पे कर दिया, उनको दिखा नहीं, नज़रअंदाज किया।
और मैं आम हालात में देखता हूँ कि अक्सर लोग थोड़ी सी भी मुश्किल देखते हैं तो उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ देते हैं। तो क्या चीज थी ऐसी असीब जो आपको मोटिवेटेड रखी रही और आपको जो है आगे पढ़ने पे मजबूर करती रही? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू सो मच सर. यू मेड मी पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड प्राउडफुल इवेंट. मैं एक टीचर के साथ, मेरा जो सफर है वो क्लास सेकंड से स्टार्ट हुआ, दूसरी जमात में था जब टीचर के साथ ये सफर शुरू हुआ. और ये बड़ा अलहमदुल्ला कामयाब एक सफर रहा टीचर के साथ. तो जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया वो ये थी कि हमारी जो कम्युनिटी है दैट इज वेरी लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, वन ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज. तो यहाँ पर जो है मैंने यही देखा कि जो भी एक बच्चा पैदा होता है वो बस एक जवान होता है, डेली वेजर बनता है, एक मजदूर बनता है और अपनी सारी जिंदगी यूं बसर कर देता है. ना तो वो अपने लिए, अपने खानदान के लिए कुछ कर सकता है, कुछ पॉजिटिव कर सकता है, ना ही अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता है. तो बस एक ख्याल था कि टीसी जो है मुझे तालीम हासिल करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह टीसीएफ ने इसमें मेरा साथ दिया. इस तालीम के अंदर आपने जैसा जिक्र किया है कि काफी माशी मुश्किलात भी दरपेश रही मुझे मेरे इस तालीमी सिलसिले में, लेकिन ये था कि सिर्फ एक, मुझे यकीन था, मुकम्मल यकीन था और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि सिर्फ एक तालीम ही एक ऐसा जरिया है या तालीम ही एक ऐसा मीडियम या सोर्स है जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी खानदान और मेरी कम्युनिटी की जिंदगी जो है वो तब्दील हो सकती है. तो मेरा ख्याल है कि ये मेरे लिए एक बड़ी जबरदस्त मोटिवेशन थी कि जिसकी वजह से मैं अपनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी रखे हुआ हूँ टीसीएफ के तहत से. माशाल्लाह। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे ऐसे? जी प्लीज. मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक मजदूर हैं, मुंशी हैं, एक भट्टे में, भट्टा जो होता है ब्रिक किल्न होता है, ये ईंटों वाला भट्टा, यहाँ पे एक वो मुंशी हैं. उसके बाद जो है वो उनकी जो तनख्वाह है वो 14,000 से लेकर 19,000 तक रही है, उसके दरम्यान में रही है. आज से वो गालबन 3 से 4 साल कबल 14,000 तनख्वाह लेते थे, अब वो 19,000 पे तनख्वाह ले रहे हैं. तो सिर्फ वालिद साहब ही कमाने वाले थे और जब से हम लोगों ने पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया, और हम 5 बहन भाई हैं. मेरी जो बड़ी बहन है वो टीसीएफ की फैमिली का हिस्सा रही हैं और टीसीएफ में टीचर भी रही हैं. उसके बाद मेरे एक भाई हैं जो इलेक्ट्रिशियन हैं, देन मेरी एक सिस्टर हैं, एक बहन है जो कि एमबीबीएस कर रही हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके बाद फिर एक छोटी मेरी बहन है जो कि बीएस इंग्लिश कर रही हैं, एंड आई एम द यंगेस्ट वन who is doing mass communications, the degree in the journalism from Foreman Christian College, University Lahore. माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके बाकी बहन भाई जो हैं इन्होंने भी टीसीएफ से कुछ तालीम हासिल की थी या दूसरे स्कूलों में गए थे? जी बिल्कुल. जो मेरी मुझसे बड़ी बहन है वो भी टीसीएफ की स्टूडेंट रही है. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, माय द एल्डेस्ट सिस्टर, शी हैज बीन द पार्ट ऑफ द टीसीएफ फैमिली एज अ टीचर. तो हम लोग जो 3 बहन भाई हैं वो बराह रास्त टीसीएफ का हिस्सा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच हसीब। आपका मुझे ये बताइए शब्बीर के आप जो हैं वो भी टीसीएफ के साथ जो है वो काफी सालों से जो है वो मुंसलिक हैं। सो मुझे ये बताइए कि आपका टीसीएफ का सफर कैसा रहा और आपका एक इत्तफाक से मेरे ख्याल से आपने टीसीएफ कॉलेज से भी जो है वो तालीम हासिल की। तो पहले टीसीएफ के बारे में बताइएगा और ये बताइएगा कि तालीम जो है आपकी वो किस तरह से बढ़ी और क्या मुश्किलात जो हैं आपने किस तरह की जो है वो चैलेंजेस देखी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल। आप चल ठीक. सर मेरा नाम मोहम्मद शबीर खान है और मेरा ताल्लुक जो है गुलशन जिया और एग्मी टाउन कराची से है. जैसा आपको पता है कि मैं एक टीसीएफ अलमनाई हूँ. टीसीएफ मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले ज्वाइन किया था. टीसीएफ में मैंने क्लास 3 में एडमिशन लिया था. इससे पहले मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था. ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी कोई जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सात भाई बहन हैं तो सभी किसी ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे. लेकिन घर के हालात कुछ इस तरह से ख़राब हुए थे कि हम सबको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी. हम सब घर पर 1 से 1.5 साल के लिए घर पर बैठ गए थे. तो वजह यही थी कि हमारे अब्बू भी एक डेली वेजेस वर्कर हैं, उनकी सैलरी भी उस वक्त तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये थी. तो 15 से 20 हज़ार रुपये में 7 बच्चों की तालीम में खर्चा बर्दाश्त करना वही प्राइवेट स्कूल में एक बहुत बड़ा मसला था. और हम किराए के घर में भी रहते थे तो किराया अदा करना और ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल था. तो हम सब घर पर बैठ गए थे. लेकिन एक
खुशकिस्मती हमारी ये थी कि हमारी घर की शिफ्टिंग हो गई और हम एक नए मोहल्ले पे चले गए। तो जहाँ हम जिस नए मोहल्ले पे गए थे उस मेरे घर के बिल्कुल सामने टीसीएफ स्कूल मौजूद था, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी, बहुत खुशी की बात थी। तो काफी मोहल्ले वालों ने गाइड किया, हमारी अम्मी भी खुद गई टीसीएफ स्कूल और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला कि वहाँ पर बहुत कम फीसों में बहुत अच्छी म्यारी तालीम, दुश्वारी इलाकों में म्यारी तालीम दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे भाई बहनों का एडमिशन वहीं पे हुआ, हम सब वहीं पे पढ़ने लगे और ये सफर मेरा जारी रहा टीसीएफ के साथ। आज जब मैं अपने पास में जाता हूँ तो मुझे सोचता हूँ कि मुझे क्या चीज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा था, तो मुझे रियलाइज होता है कि टीसीएफ मेरे लिए एक नेमत से कम नहीं था। बहुत अच्छा सफर रहा टीसीएफ के साथ। अगर टीसीएफ मेरी जिंदगी में नहीं आता ना तो शायद यहाँ पर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीसीएफ से मैं पढ़ता रहा और 2017 में जाके मैंने टीसीएफ से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मेरा एडमिशन टीसीएफ कॉलेज में हुआ। दोबारा मैं खुशकिस्मत रहा क्योंकि अगर मैं मैट्रिक करता फिर मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना होता, तो प्राइवेट कॉलेज में जाकर आगे यहाँ तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ तो इसमें टीसीएफ कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाता तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता और स्ट्रगल इतना स्ट्रगल कि शायद मेरे लिए यहाँ पर अभी जहाँ मैं हूँ गुलाम इसहाक़ खान पे वहाँ पर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो टीसीएफ कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। टीसीएफ कॉलेज से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में इंटरमीडिएट किया और इंटरमीडिएट करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा एडमिशन जहाँ मैं सोचता था, जहाँ मेरा ख्वाब था गुलाम इसहाक़ खान का, वहाँ का मैंने एंट्री टेस्ट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह टीसीएफ के सपोर्ट से वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर अभी गुलाम इसहाक़ खान में 100% स्कॉलरशिप पर टीसीएफ की तरफ से पढ़ रहा हूँ और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह That's again heroic stories, माशाल्लाह। आप लोगों को देख के जो है वो वाकईतन एक जो है वो आदमी ये कहता है कि motivation level जो है वो हम बहुत सारी चीजों को for granted लेते हैं अक्सर लोग जो है जिंदगी के अंदर, और हम ये नहीं समझ पाते कि जो चीजें हमारे पास हैं उनका हमें ज्यादा से ज्यादा शुक्र जो है वो अदा करना चाहिए। So thank you very much for sharing that story with us, Shabir. हमारे साथ सिद्रा, आप जो हैं पिछले माशाल्लाह 12 साल से जो है सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पर काम कर रही हैं और काफी उसके हवाले से आपने प्रोजेक्ट्स किए भी हैं। So I just wanted to ask you के जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें पिछले 5-10 साल में क्या चीजें बेहतर हुई हैं और क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं मजीद, और अगले 5-10 साल में आप क्या देखती हैं पाकिस्तान का एजुकेशन लैंडस्केप? अस्सलाम वालेकुम इस्पंदियार और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस, और मुझे बहुत खुशी है कि आई एम अ पार्ट ऑफ द वेबिनार टुडे व्हिच इज ऑन सच एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी टीसीएफ की अपनी काविशों के बारे में। आई थिंक वी वर प्रोबेबली इन स्कूल व्हेन वी फर्स्ट हर्ड अबाउट हाउ टीसीएफ इज टेकिंग दिस प्लाइट, दिस प्लेज ऑफ ब्रिंगिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द अंडरसर्व्ड एरियाज इन पाकिस्तान। और हम आपको बताएं कि ड्यूरिंग द स्कूल डेज इट यूज्ड टू बी सो इंस्पायरिंग कि जब हम बात करते थे, we used to have our social studies ki lectures and we discuss about the upliftment of society because I was a debater back in school. To hum aise idaron ka apne ird gird ke mahol mein naam zarur lena chahte the, unko dekhna chahte the ki how they have this willingness to give back. Or Citizens Foundation, true to its name, is how the people, the community, the society itself has come together. Jahan pe log jinko हमारे मुल्क ने बेहतरीन वसाइल दिए थे एंड दे गॉट द बेस्ट एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वर एबल टू गो अब्रॉड एंड गेट इवन फर्दर हायर एजुकेशन। उन्होंने ये फैसला किया कि हम वापस आके पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं एंड दे ऑल केम टुगेदर एंड देयरफॉर टीसीएफ वाज फॉर्म। मुझे याद है उस जमाने में इस्पंदियार इस किस्म की डिबेट हुआ करती थी कि जी पढ़ने के लिए तो टाट का स्कूल भी सही है, पेड़ के नीचे भी रह के लोगों ने पढ़ाई की है। लेकिन What I really found encouraging and what touched my heart was how TCF put the focus back कि जो learning environment होता है वो भी उतना ही अहम है। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्क तफरका खत्म हो कि जी underserved area से आने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई को लेके उतना ही serious हो, उसके पास भी वही opportunities of excellence हो, so to provide them with the right environment, with the right kind of classroom, the quality teachers, ताकि वो अपने आप को कमतर महसूस ना करें और उसके अंदर उसी confidence का आप बीज बो सकें, I think that's where TCF really made a mark. So I have been, you know, I'm very proud and happy to say that I have always been inspired
by the work of TCF. Or jahan jahan mujhe jo bhi mauka milta hai, I would love to be a part of, lending a helping hand. Abhi yahan aane se pehle main Shabbir ki aur Haseeb ki, you know, the tales from the trenches and the alumni ki baatein sun rahi thi. First of all, Shabbir, Haseeb, we are extremely proud of the accomplishments that you've done. You know, when life gives you lemon, make lemonade. Ye kehna jitna aasan hota hai, karna utna hi mushkil hota hai. And you have literally like broken that cycle of pain. Jahan aapko lage ki, you know, logon ne, circumstances ne, halat ne aapki destiny design ki hai. No, you took the plunge of moving forward. And then, of course, like-minded people or asbab Allah Ta'ala ne aapke liye banaye. So, throughout the time, these 12 years, they are just aap mention kar rahe hain, mera काफी इंटरेक्शन रहा है विद TCF alumni. I know your graduates have gone to exchange programs to Harvard and Ivy League institutions and even the best of institutions in Pakistan. तो ये मेरे ख्याल में एक मेरे लिए बड़ा हार्ट वार्मिंग बात होती है. Now coming to your question, where I see, देखें glass half empty और half full वाली बहस हो जाएगी, where people are constantly saying कि जी बुराइयां हैं, कमी है, कैपेसिटी से कम है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं. मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए जितनी रेलेवेंट डिस्कोर्स है, ये पूरी दुनिया के लिए उतनी रेलेवेंट डिस्कोर्स है. एक तो दुनिया बदल रही है, COVID-19 के बाद आपको हर मुल्क के एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई लकूनास थे, कोई गैप्स थे, वो नजर आ रहे हैं. एंड वी आर ऑल ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू इट. एंड आई थिंक पाकिस्तान इज एट दिस रियली रियली इंटरेस्टिंग क्रॉसरोड्स वेयर वी कैन टेक दैट लीप. You know, we can leapfrog forward. और हमें जरूरत नहीं है कि हम 100 साल 150 साल में अपने सिस्टम को बेहतर करें. Technology has come to our rescue. Things have come to our rescue. आप देखें COVID-19 में मुझे सबसे बड़ी एक blessing in disguise मिली कि हम fast track हो गए when it comes to our education and our learning system. People have decided it's no longer limited to classrooms. इस वक्त पाकिस्तान के state TV ने एक dedicated 24/7 channel खोला हुआ है जिसमें class 1 से लेके class 10 तक का course पूरा दिन पढ़ाया जा रहा है. So if you really have that learner's mindset, you can do anything. And then of course, each one of us has to play our part. The biggest concern to me, if you ask me, is कि हम अपने अपने तई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट में भी आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी. TCF इज अ ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरीज. यू आर ऑलरेडी पार्टनरिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक समर और एक फ्रूट हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि नाउ यू आर प्रेजेंट इन ऑल 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. आई थिंक दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज. आई थिंक दैट इज वेयर लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड इंस्टीट्यूशंस, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट हैज टू कम टुगेदर फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट. वो मेरा ज्यादा फोकस होता है. और उसमें थोड़ा सा हम वॉच डॉग की तरह और अपना एक डंडा बरदार फोर्स नहीं मैं कहूंगी उसको, लेकिन यू नो पीपल हु आर पुटिंग द प्रेशर ऑन इट एंड आर एडवोकेटिंग फॉर इट, उसमें आई थिंक वी हैव अ स्मॉल पार्ट एज मीडिया टू सॉर्ट ऑफ कीप पुशिंग द राइट कॉज. एब्सोल्युटली, या आई टोटली एग्री. और मैं हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो एक अक्सर बात करते हैं कि जितना सैक्रोसैंक्ट हमने जिस तरह न्यूक्लियर अपना जो प्रोग्राम है उसको बनाया हुआ है, तालीम को भी उतना ही सैक्रोस्टैंक जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान, और तभी जो है वो आप वो फ्रूट्स या वो प्रोग्रेस देख सकते हैं जो आप डिजायर करते हैं आगे पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए. आई टोटली एग्री कि इसमें एक तो ये है कि इसको एक प्रायोरिटी में ऊपर होना चाहिए, और दूसरा जो कोलैबोरेशन की आपने बात की है मेरे ख्याल से पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की, आई थिंक दैट इज अनदर की एरिया जो आई टोटली एग्री which will help Pakistan leap forward, inshallah. Siza, हमारे साथ जो है वो क्या कहते हैं दो ये male हमारे students, ex-students TCF के तो हैं ही हैं. हमारे साथ जीनत जो हैं वो एक हमारी एक hero, हमारी साबिक का तालिब इल्म, हमारी TCF की school की teacher भी हैं, जो आज हमारे साथ webinar में तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे साथ है. सो मैं थोड़ा सा एक जो उन्होंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड किया था, सो आई वुड लाइक फॉर आवर ऑडियंस टू हियर लुक एट इट. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत अहमद है. मैं बैपीरो के गांव नदीनाना से ताल्लुक
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीनत अहमद है। मैं बैपीरो के गांव दीनानाथ से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं टीसीएफ की अलमनाई हूँ। 2012 में टीसीएफ से मैट्रिक किया और बीएससी मैंने पंजाब कॉलेज से की है। 2016 में मैंने टीसीएफ को एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। कोविड-19 की वजह से हमारे मुल्क में गरीब तबका बुरी तरीके से मुतासर हुआ, तो इन हालात में टीसीएफ ने अपने इस मुतासर आवाम के लिए एक अहम कदम इनकी मदद करने का उठाया और इस काम में टीसीएफ के तमाम अलमनाई फ्रंट लाइन पर आए। हमारे लिए डोर टू डोर जाना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने 2 स्टे पॉइंट्स बनाए। फिर अपने वालदेन के तवसल से ज़रूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाई और इन लोगों को पैगाम भिजवाया कि वो फला दिन फला पॉइंट पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचें। एंड आई कॉन्ट बिलीव दिस के विद इन 2 डेज यानी 22 अप्रैल को लोगों को 2500 कैश का मैसेज आया। हमारे एरिया दीनानाथ में कुल 576 फैमिलीज को कैश की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ये काम बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ। और अब आते हैं ग्राउंड रियलिटीज पर। बाहर से कोई अगर आकर ये कहता है कि ये 2500 कुछ भी तो नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ग्राउंड पर आएँ और देखें कि 2500 लोगों के लिए कितना, इन लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली है जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तमाम बच्चे छोटे हैं। जब वो औरत हमारे पास आई नाम लिखवाने, तो उसके अल्फाज ये थे कि बेटा मेरा नाम सबसे आगे लिखना, इतने दिनों से घर में खाने का कुछ भी नहीं है, घर में मुकम्मल फाके हैं। उस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं थे उनकी हौसला अफजाई के लिए। और जब उस औरत को 2500 मिले तो उसने तो उसकी खुशी देखने के काबिल थी। वो हमारे पास आई और कहा कि ये 2500 नहीं 2500 है हमारे लिए। और TCF इस एरिया में फर्स्ट वो इंस्टीट्यूट है जिसने ये काम किया। सिमिलरली एक और भी फैमिली है जिसके दोनों मियां बीवी बीमार हैं। इनकी बीवी को ट्यूमर है। इनके घर के हालात इंतहाई ख़राब थे। एक तो सफ़ेद पोश लोग किसी से कुछ मांग नहीं सकते, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उस फैमिली को जब कैश मिला, सो आई कॉन्ट एक्सप्लेन देयर फीलिंग्स एंड इमोशन, जैसे ज़िंदगी की एक नई रमक मिल गई उनको और वो उसी टाइम बाज़ार गए हैं और अपने घर के लिए सौदा सलफ ख़रीदा। और सिमिलरली इसी तरह एक और फैमिली है जिनके हस्बैंड जो है वो ड्रग्स लेते हैं। उनको अपनी फैमिली का जो है किसी किस्म का कोई होश नहीं होता कि हमारे बच्चे ज़िंदा भी हैं या नहीं। उनकी माँ घरों में काम करती है, बट आजकल तो जिन फैमिलीज़ को कोविड-19 की अवेयरनेस है, वो काम करने वालों को अब घर आने नहीं देते। उनका गुजर बसर भी बहुत मुश्किल था। उनको जब कैश मिला तो यकीन करें कि उनका घर मेरे घर से बहुत दूर है। वो शाम टाइम स्पेशली आई और हमारा और TCF का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह यकीनन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनका TCF ने इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया। मेरे एरिया के तमाम आवाम इंतहाई दुआगो हैं TCF के लिए और इंशाल्लाह TCF आगे भी अपने आवाम की इसी तरीके से खिदमत करता रहेगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से कोई मुबालगा नहीं है इसमें कहने में कि वो मुफलसी के तयम्मुम को घर में खाक नहीं। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन इन किया है, प्लीज़ आप नोट कीजिएगा कि TCF जो है वो एक मैचिंग कैंपेन जो है वो चला रहा है, जिसमें 3 मुखय्यर हजरात हमारे जनरस डोनर्स ने बहुत ग्रेशियसली एक मैचिंग कैंपेन का आगाज़ किया है, जो कल रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 48 मिलियन 4,80,00,000 रुपए जो है वो तक जो है वो मैच करेंगे उसको। सो अगर आप एक बच्चे की सपोर्ट या एक आदमी की फैमिली की सपोर्ट के लिए जो है वो पैसे देंगे, वो उसको मैच करेंगे उसके साथ। सो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बेनिफिशरीज फॉर कोविड रिलीफ एफर्ट एंड फॉर योरसेल्फ। सो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी ज़कात सदकात जो है वो इसके लिए दिल खोल के दीजिए। जो पाकिस्तान से बाहर हैं पाकिस्तानी हजरात, वो ऑनलाइन दे सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो चेक और कैश कलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। सिद्रा, कमिंग बैक टू यू, मैं एक चीज पढ़ रहा था कि गुड जर्नलिस्ट आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। सो आई एम श्योर चूंकि आप के खून के अंदर जर्नलिज्म भरा हुआ है, तो आपके अंदर भी कई सवाल जो हैं वो यकीनन होंगे। सो हसीब से शब्बीर के लिए कोई सवाल हों, और अगर कोई जरा हल्का सवाल है तो मुझसे भी आप कर सकती हैं। सवालात, यू नो, आई एम अ सॉलम बिलीवर के देयर नो स्टूपिड क्वेश्चंस, तो इसी के साथ हमें एब्सोल्युटली ये कि कोई भी सवाल कर लें तो बुराई तो नहीं है सवाल करने में, और यकीनन उसको खुले दिल से उसको स्पेस भी देनी चाहिए। वी नीड टू बी ऑल इंक्लूसिव। हसीब और शब्बीर
की कहानी में सुन रही थी, लेकिन उससे पहले मैं तमाम देखने वालों को, क्योंकि आई हैव जस्ट शेयर्ड दीज लिंक्स ऑन माय पर्सनल पेज एज वेल एज माय माय फैन पेज एज वेल, जो मेरा ऑफिशियल पेज है, और मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगी कि इट इज़ अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी. आज हम 28वीं शब है रमजान की, और जहाँ जहाँ अगर आप पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं तो वहाँ तो 29वीं शब है, ताक रात है. तो ये हमारा ईमान है बहसियत मुसलमान के, कि इस वक्त आप कोई भी नेक अमल अगर करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम अगर सोच भी लेते हैं, तो उसका आपको कई गुना अजर मिलता है. और खास तौर पर नॉट जस्ट अपीलिंग टू योर रिलीजियस सेंटिमेंट, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आज ही उलमाए दीन मेरे शो में मौजूद थे असफंदियार, तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात शेयर की कि ना सिर्फ वो जो नेकी करेगा बल्कि जो नेकी की तरफ रागिब करेगा, यानी आप और मैं अगर लोगों को इस वक्त की अपील कर रहे हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, हमें भी उतना ही सवाब मिलेगा. तो आई एम डूइंग दिस प्योरली फॉर सेल्फिश रीजंस. और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि मैचिंग ये कैंपेन चल रही है, इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, कि इस वक्त आप जो भी अमाउंट रेज करेंगे बाय बीइंग इंस्पायर्ड बाय हसीब स्टोरी एंड बाय बीइंग इंस्पायर्ड बाय शब्बीर स्टोरी, इससे पहले जो जीनत ने बताया कि किस तरह वाकई ग्रास रूट पर जाके, क्योंकि एक होती ना बात कहना कि जी आज 40,000 अलमनाए, 4,00,000 अलमनाए पूरे पाकिस्तान में है TCF के. I think a greater impact is when you meet people, when they are more than a number. यानि अब ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी एक कदम उठाया हुआ, you know, एक बात या जरा सी भी इमदाद, जो आपके मेरे ख्याल में मैक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं है आपके लिए, and you're just coming forward and helping another person. But every penny counts, every contribution counts, because it changes lives. So we have fantastic examples like Haseeb and Shabbir. Aur aaj aage badhiye, everything that you will be contributing, Allah mein to usko aapka kai guna uska ajr denge hi, because ye bade din hai. Lekin saath saath, our generous sponsors have also said ke jo amount logon ke through raise karenge, ek tarah se wo usko double kar denge. They will match the same amount. And I think that is fantastic. Kudos to the people who have come forward. Jo log hame US mein, UK में देख रहे हैं, आपके लिंक्स अलग हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, तब भी आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल. और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, आप जिस भी विंडो में इसको देख रहे हैं, नीचे कमेंट कीजिए, एंड somebody from our team at TCF is going to get in touch with you and will guide you कि आप किस तरह अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. आप एक दिन के एक बच्चे की फीस देना चाहें, उसकी किताबों का खर्च उठाना चाहें, एक क्लासरूम को स्पॉन्सर करना चाहें, एक स्कूल को स्पॉन्सर करना चाहें, या एक टीचर की तनख्वाह को स्पॉन्सर करना चाहें, यू हैव अ बिलियन options जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, and all of them are equally worthy. So on that note, I want to come back to Haseeb and Shabbir. आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताई, मुझे सबसे पहले ये दिखाइए कि आपके हालात ऑर्डिनरी हालात नहीं थे, मुश्किलात ज्यादा थी. तो जब आप तालीम से आरास्ता हुए, जब आपको ये आगही मिली, you were a part of the TCF network, अपने अंदर क्या तब्दीली देखी, यानी अपने इर्द गिर्द आपने अमशोर ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो आपकी गली मोहल्ले में होंगे, जो तालीम हासिल नहीं कर रहे या जिनके पास ये मौका नहीं था, उनमें और अपने आप में आप क्या फर्क देखते हो? अगर हसीब आप शुरू करना चाहो. जी प्लीज. मैम, एजुकेशन जो तालीम है, अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली मेंशन किया मैंने कि तालीम इसलिए मैंने हासिल की ताकि मैं ना सिर्फ अपनी जिंदगी तब्दील कर सकूँ, अपने खानदान और अपनी कम्युनिटी की. तो मैं अब आज भी अपनी कम्युनिटी में, जब बाहर निकला था अभी, जो TCF की इमदाद है इस सिलसिले में, लोगों से लोगों तक वो इमदाद जो है उसको पहुंचाने के लिए और उनको मेक श्योर करने के लिए, तमाम चीजें देखने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरी गली के अंदर ही एक बच्चा था. ही वॉज नो मोर 5 ईयर, मतलब 5 बड़ा छोटा फिगर है, मतलब वो बिल्कुल एक, जिसे आप कह लीजिए, 3 क्लास का स्टूडेंट की एज का होगा वो. तो ही वॉज सेलिंग ऑनियंस, वो प्याज बच्चा बेच रहा था, और वो एक मतलब आवाज लगा रहा था. सो यहाँ पर हमारे जो देहाती इलाका है, ये जो ये वाला एरिया है हमारे पास, यहाँ पर देर आर सो मेनी चिल्ड्रन दैट आर आउट ऑफ द स्कूल्स, जो कि स्कूल से बाहर. तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे पहले भी इस बात का जिक्र किया कि TCF मैंने सिर्फ इसलिए देखा कि जो हमें है मेरी कम्युनिटी उसके अंदर तब्दीली आ जाए मेरी पढ़ाई से. इसमें ये हुआ कि जब इसमें अगर बात की जाए कि मेरे अंदर क्या तब्दीली आई है TCF की वजह से या इस एजुकेशन की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि TCF ने मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है. वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इफ TCF हैज नॉट बीन देयर एंड TCF स्कूल्स हैज नॉट बीन देयर, आई थिंक आई वुड बी एन इलेक्ट्रिशियन और आई वुड बी अ फार्मर.
तो मैं तो एक किसान होता या फिर मैं एक इलेक्ट्रिशियन होता, मैं आज इस जगह पे ना बैठा होता एंड आई कुड नॉट मेक माय वे टू फॉर्म एन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर दैट इज द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान. तो मैं ये समझता हूँ कि TCF ने जो है मेरे अंदर ना सिर्फ अपनी जिंदगी तब्दील करने की एक जद्दोजहद मेरे अंदर है इंजेक्ट की है, बल्कि मेरे अंदर ये चीज भी इंजेक्ट की है कि अगर मैं मतलब अपनी कम्युनिटी में से उठकर जो है एक अच्छे इदारे में जा सकता हूँ, तो ये जो प्याज बेचने वाले हैं या जो मेरे मुझसे छोटे जो बच्चे हैं जो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, जो मेरे ही बहन भाई हैं, तो क्यों उनका तालीम पे उनका हक क्यों नहीं है. तो मैंने जब उसको देखा उस बच्चे को, असीब आपकी बातों से पता है मेरे जहन में क्या ख्याल आ रहा है. मैं when I was at your stage, जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे एक प्रोफेसर ने, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने क्लास में आके पूछा कि आप सबके ख्याल में, हम सारे स्टूडेंट से पूछा कि आपके ख्याल में गुर्बत क्या है. एंड पीपल सेड के लैक ऑफ रिसोर्सेज, पैसे कम हो, इतना आपका GDP, अगर आपकी घर की इनकम इतनी है, फलाना धमाका. एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड ही सेड नो, दैट इज नॉट व्हाट इज पॉवर्टी. हम पावर्टी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये पैसे या वेल्थ की कमी है. इनफैक्ट पावर्टी का मतलब होता है जब आपके पास चॉइसेस की कमी होती. आपने जैसे खुद कहा कि अगर आपके पास तालीम ना होती या वसाइल ना होते तो मे बी योर चॉइसेस ऑफ व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ वर वेरी लिमिटेड. है ना असफंदिया, कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे सबसे बड़ी चीज द वे एजुकेशन आउट ऑफ दैट पॉसिबिलिटीज द अपॉर्चुनिटीज दैट कम फॉरवर्ड. शब्बीर, अगर एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि सबसे बड़ी मिथ, यानी जो एक कितना खाम ख्याली, कयासराई, गलत फहमी हमारे जहनों में अंडरसर्व्ड इलाकों के बारे में क्या है, यानी जो ऐसे मुतवस्सित इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पे ज्यादा वसाइल नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जब बात की जाती है तो लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है इनके बारे में? आपका माइक म्यूट है शब्बीर, अनम्यूट कर दो पहले. Yes, now you can speak. हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस तरह के हम इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में लोगों के यही सबसे कि हमें कभी मौका नहीं दिया जाता है कि हम जैसे जिस इलाके में जिस तरह के गरीब लोग हैं और एक से जो रेशो है पाकिस्तान का जो इतना ज्यादा है, सिर्फ इसी वजह से कि हमें कभी मौका नहीं दिया है कि हमारे जो गवर्नमेंट है या हमारे जो स्कूल सिस्टम है, हम हमेशा अमीरों के लिए, या तो वो ओ लेवल का या फिर वो प्राइवेट स्कूल है जो बहुत महंगे होते हैं, तो हमें कभी आगे आने का मौका ही नहीं दिया जाता है. जो एक बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, उसका जो बहुत अच्छा टैलेंट है, अगर मैं खुद को भी डिफाइन करूँ, जिस तरह TCF ने मुझे चांस दिया है, जिस तरह TCF ने मुझे मौका दिया है, अगर TCF मुझे मौका नहीं देता, ये चांस नहीं देता, मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो एक जो मेरे अंदर जो टैलेंट था, जो मेरे अंदर एक तालीम वाला बच्चा छुपा हुआ था, वो अंदर ही दबा रह जाता, वो सामने नहीं आता. तो हमेशा से हमारे मुल्क में यही रहा है कि हमें इस तरह के लोगों को, हमारी इस तरह के जो पॉवर्टी वाले इलाके हैं उनको मौका ही नहीं जाता, उनको पढ़ाई नहीं दी जाती. अब TCF इस तरह कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह TCF की एक मोटो भी है कि दुश्वार इलाकों में मियारी तालीम, वो गरीब से गरीब तर इलाकों में जाके TCF सपोर्ट करता है, बच्चों की तालीम पहुंचाता है, तो एक बहुत अच्छा. तो मैं समझता हूँ कि TCF जिस माशरे में है, उस माशरे में हर गरीब बच्चे को ख्वाब देखने का हक है, और अल्हम्दुलिल्लाह TCF ने मेरा ख्वाब भी पूरा किया. नहीं, मेरे गलत फहमी से मेरी मुराद थी शब्बीर, आपका बहुत जबरदस्त जवाब था एंड इट वाज वेरी मूविंग टू हियर दिस फ्रॉम यू. लेकिन आमतौर पे जैसे अभी आपके यहाँ जैसे ड्राइव चल रही है, हसीब भी उसका पार्ट थे, जीनत भी उसका पार्ट थी, कि जो बिल्कुल ही अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर सर्व्ड एरिया हैं, जो दुश्वारी में आ गए COVID-19 की वजह से, वहाँ कैश डिसबर्समेंट्स की गई, यानी नकद रकम दी गई है ताकि वो गुजारा कर सके. एक आम तासुर, और ये मुझे बड़ी तल्ख बात लगती है, मेरे शो में आके अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ऐसे इलाकों में जितने भी पैसे दे दे कम है, वो खर्च हो जाते हैं, ये ख्याल नहीं करते, ये सही चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करते. ये तासुर बड़ा गलत तासुर है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, मैं जब लोगों को इस तरह बात करते हुए सुनती हूँ. अब क्या वजह है जब नकद रकम दी जाती है तो उसको एक अंडर सर्व्ड गरीब इलाका, एक गरीब घर कैसे खर्च करता है? संभाल के करता है, बचाता है, इन्वेस्ट करता है, या वो उनकी बेसिक जरूरियात के लिए ही नाकाफी होता है? आप बताएं इस बारे में हमें. मैम, अगर मैं आपका सवाल जो आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं कि मैं किस तरह के इलाके से ताल्लुक रखता हूं. तो मैंने बताया था कि मेरा ताल्लुक रंगी टाउन से है, और रंगी टाउन एक एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, और जो हमारे तरह की, जो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर छोटे 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 घर होते हैं, 60 गज के, 80 घर के, 2 कमरे के मकान होते हैं, लेकिन लोग बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ पर, 8 से 9 लोग अफराद में मुश्तमिल होता है उनका घर. तो उनमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ राशन की जरूरत होती है,
और उनमें और भी जरूरतें होती हैं, और टीसीएफ ने जो कैश के जरिए जरूरत पूरा किया है तो ये बहुत बेहतर था। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल हो गया था, दूसरे लोगों को सिर्फ राशन पर महदूद नहीं थे, लोगों को और भी जरूरतें होती है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे इलाके में बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं औरंगी टाउन के सबसे पसमानदा इलाके में रहता हूँ, मतलब कि हमारे जिस मोहल्ले में कई ऐसे घर हैं जो बिजली से भी महरूम है, कई ऐसे घर गैस से भी महरूम है, और पूरा मोहल्ला पानी के लाइन से महरूम है, मतलब कि पानी हमारे इलाके में आता ही नहीं है, हमें पानी खरीदना पड़ता है। अब एक 8 से 9 लोगों के अफराद पे मुश्तमिल एक बड़ी फैमिली है, उसका महीने में तकरीबन 2 टैंकर खरीदते हैं हम, तो 2 टैंकर पानी जाया हो जाए, पानी खर्च होता है, और ये एक टैंकर पानी 1500 से 2000 रुपए का है। अब हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे डेली वेजेस वर्कर हैं, अब डेली अक्सर डेली वेजेस वर्कर या तो सब्जी फरोश है, फल फरोश है वगैरह, ये लोग कितना कमा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 15,000-20,000, और मेजोरिटी जो है किराए पर भी रहती है। तो एक फैमिली को उसे पानी भी खरीदना है, उसे गैस बिजली का बिल भी अदा करना है, और उसे किराया भी अदा करना है, और इसके अलावा 1000 और भी अखराजात होते हैं। तो सही। एक 15,000 से 20,000 रुपए में इतना कुछ करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। और एक और गवर्नमेंट सोचती है, और भी लोग जो एनजीओ राशन वगैरह पहुंचा रहे हैं, सोचते हैं कि एक दफा दे दिया, वो लाकर कितना ही देते हैं, 5 किलो चावल 5 किलो आटा, एक थैली घी, और एक और इतनी, अगर वो खुद भी आके घर विजिट करे तो उन्हें जितना वो ला के देते हैं ये लोगों के 2 से 3 दिन के लिए भी काफी नहीं है। अगर एक दफा देके चले जाते हैं वो महीनों तक गायब हो जाते हैं। एक तो उनके देने का तरीका, मैं खुले अल्फाज में कहूंगा उनके देने का तरीका सही नहीं होता है। मैं जिस मोहल्ले पे रहता हूँ, मैम, मेरे मोहल्ले में एक ही मेन रोड है, मेन रोड के इस तरफ भी 22 गलियां हैं, मेन रोड के उस तरफ भी 22 गलियां हैं। कोई टीम अगर कोई एनजीओ आती है, कोई टीम आती है राशन बांटने के लिए, वो रोड पर आती है, एक तो वो घरों तक नहीं जाती, वो घर घर जाके नॉक करके लोगों के घर तक नहीं पहुंचाती, और वो आके कह देते थे कि कहते हैं कि आप NIC लेकर आ जाओ, हम NIC नोट करके आपको राशन दे देंगे। तो एक जो बहुत बड़ा तबका होता है, जो लोग सफेद पोश होते हैं, जो शर्म की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं, उन तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। सही, और आप सही कह रहे हैं, यानी इज्जत है नफ्स को मजरूह किए बगैर अगर कोई इमदाद हो सके, और वो भी काफी इमदाद जो लेके चलें। अस्वनिया, जब ये बच्चे जिस तरह दिल खोल के बात करते हैं, कभी कभी यानी आपको आयरनी का एहसास होता है कि हम किस माशरे में रहते हैं, इसमें कितने सारे रुख हैं, कितने सारे एंगल हैं। जब ये बच्चे आपके पास पहुंचते हैं और स्कूल में दाखिला लेते हैं, तो आपने क्या देखा है? इनको काउंसलिंग की भी जरूरत होती है, गुस्सा भी तो आता होगा ना इनको, ये सारी तल्ख हकीकतें जो एक बच्चे का जो मासूम बचपन होता है, अगर वो इन फिक्रों में सर्फ हो जाए तो उसकी ओरिएंटेशन बहुत मुख्तलिफ होती है। आई एम नॉट सेइंग कि इट नीड्स टू बी यू नो लुक डाउन अपॉन, बट इट्स डिफरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ अग्रेशन। उसको आप लोग काउंसलिंग करते हो, क्या आपका तासर होता है? हाउ डू यू चेंज, हाउ डू यू टर्न दैट अराउंड इनटू देयर स्ट्रेंथ? उसका सीधा जो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है वो काउंसलिंग के हवाले से, इन बच्चों को मैनेज करने के हवाले से जो वो की जाती है, एंड वी स्पेंड 100 hours, ईच टीचर हैज टू अगेन गो थ्रू 100 hours एवरी ईयर, जिसमें पेडागॉजी भी सिखाई जाती है उनको, और उसमें कंटेंट भी जो है, और कंटेंट का फिर टेस्ट वगैरह अलग होता है उसके। तो उसमें मेन चीजें जो बेसिक्स हैं उनको हैंडल करने के लिए, स्पेशली बच्चे जब केजी में आते हैं, पेरेंट्स से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, पेरेंट्स से एम्पथी किस तरह से शो करनी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि कई जगहों पे जहां स्पेशली हमने गवर्नमेंट के स्कूल जब अडॉप्ट किए थे और जब पेरेंट्स को बुलाया गया, तो अक्सर पेरेंट्स घबराए हुए पहुंचे कि शायद उसने कोई शीशा तोड़ दिया बच्चे ने, क्योंकि आज तक तो कभी टीचर ने बुलाया नहीं स्कूल, आज बुलाया तो यकीनन इसने कोई गड़बड़ की होगी। तो वो कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है, साल में 3-4 दफा उनसे मुलाकात होती है, तो ये अगेन पेरेंट्स, स्कूल एंड बच्चा, ये 3 पहिए हैं जो साथ लेके चलने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू अगेन प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, डू यू वांट टू टेक ओवर द रेन्स, और आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई एम रियली एंजॉयिंग माय कन्वर्सेशन विद शबीर एंड विद नसीम, तो मैं तो आई वुड प्लीज यू कैन हैव अनदर राउंड, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस एज वेल, सो यू कैन हैव अनदर राउंड। नसीब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब इंसान कहता है ना कि अंग्रेजी में एक मुहावरा है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ना बताओ तो फिर दिमाग को भी छुट्टी इंसान दे दे, ना फिकर होगी ना तकलीफ होगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन आगे ही देती है, देन यू डोंट नो लॉन्गर हैव द लग्जरी ऑफ इग्नोरेंस, आपको दुनिया समझ आने लगती है।
अपने अंदर जो आपने कहा कि एक शऊर तो आया, लेकिन क्या गुस्सा ज्यादा आता है या दूसरे का गुस्सा समझ पाते हुए, जो आपके इलाके का कोई बच्चा हो जो तालीम हासिल नहीं कर सका या जिसके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है और वो गुस्से में आता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है, बुरा भला कहता है रियासत को, हुकूमत को, लोगों को, उसका गुस्सा समझ सकते हो? एब्सोल्युटली मैम, मैं जरा अगर आपकी इजाजत से मैं पिछले सवाल की जानिब जाना चाहूंगा जो आपने मुझसे पिछला सवाल पूछा था, उसमें मैं सिर्फ उस अपने जॉब को कंक्लूड करना चाहूंगा। हाँ जी। तो वो जो प्याज ऑनियन सेलिंग चाइल्ड था, मैंने उसके बच्चे से बात की, अभी ये रिसेंटली आज ही की बात है, मैंने उसके वाले से बात की, मैंने कहा व्हाई ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है? इसे नहीं पाला हुआ, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं ये प्याज बेचता हूँ और 500 रुपया या 600 रुपया बचा के घर ले जाता हूँ, तो मैं इसकी फीस जो है वो किस तरह से पे करूँ? आई सेड ओके। आफ्टर लॉकडाउन मैंने उनका नंबर नोट किया, उनका नाम नोट किया, बच्चे को मतलब आइडेंटिफाई करके ट्रेस करके मैंने अपने पास इसको बकायदे रिकॉर्ड में लिख लिया। मैं अपनी स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ कि जी हमारे पास वो बच्चे का मुकम्मल बायोडाटा मौजूद है। तो मैंने कहा जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आई विल टेक हिम टू द प्राइमरी टीसीएफ प्राइमरी स्कूल, मैं इसको खुद टीसीएफ प्राइमरी स्कूल लेके जाऊंगा और मैं इसको जो है एडमिशन वहां पे कराऊंगा। और आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसके बाद में काम ले लीजिएगा, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि 8 से लेकर गालबन 1 बजे तक इस बच्चे को वहां पर पढ़ने दीजिएगा। ही सेड फीस कौन भरेगा? आई सेड मैं उन मैडम से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली टीसीएफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप देता है, तो इस बच्चे को भी प्लीज आप जो है ना एजुकेट कर दें। तो ये अभी आज का वाकया जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ आपकी इजाजत से आपके दूसरे सवाल की जानिब, जो आपने अभी मुझसे पूछा कि जब एक बच्चे को तालीम नहीं मिलती है, एक ऐसे गरीब बच्चे को तालीम नहीं मिलती है, चाहे वो फिर रियासत की जानिब से हो, इलाके की जानिब से हो, किसी कम्युनिटी की जानिब से हो, तो वो बच्चा उसके अंदर एक गुस्सा जो है वो कुदरती तौर पर पाया जाता है। बिल्कुल आई एग्री विद दैट योर पॉइंट कि उस बच्चे के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो कुदरती है और वो लाजमी पाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर गेटिंग अ वेरी लिटिल बट अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन विद अ बेसिक एजुकेशन, मैं ये समझता हूँ कि मैं उस बच्चे की फ्रस्ट्रेशन को जो कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, मैं उसको समझ सकता हूँ। तो ये उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं समझेंगे तो वो बच्चा जो है वो सारी जिंदगी उस बच्चे की जो है वहीं पे गुजर जाएगी जिस कम्युनिटी में वो पला बढ़ा या जहाँ पे भी था, वो बिल्कुल एक लिमिटेड केस में रह जाएगा। मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी में बैठ के देखा कि मैंने अपनी मतलब टीसीएफ की वजह से जो है मेरी जिंदगी तब्दील हुई है, ठीक है। तो आज मैंने उसी अपने इसी मिशन की तकमील की कि मैंने एक और बच्चे को जो है अपने पास एनरोल कर लिया कि मैं इसको टीसीएफ में लाजमी तौर पर एडमिशन माशाल्लाह। जितने भी इस तरह की कम्युनिटीज में, अब मैं एक अलुमिना हूँ टीसीएफ का, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएटेड फ्रॉम टीसीएफ स्कूल, तो मैं जब ये देखता हूँ कि फिर मैं अपने आसपास के बच्चों पर लाजमी तौर पर नजर रखता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा जो है वो किसी फ्रस्ट्रेशन में ना डूबा रहे जो कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इसके अंदर भरी पड़ी हो। सिद्रा आपका माइक म्यूट कर लीजिए। मैं यही कहना चाहती थी कि दिस इज यू नो जिस तरह वो लोग कहते हैं हमेशा कि आप अपने हिस्से की शमा जलाते रहें, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसको पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं वो स्कूलों में नहीं है। एंड आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज जस्ट प्ले आवर पार्ट। टीसीएफ इज अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। पूरे मुल्क में हम देख सकते हैं कि इनके जो स्कूल्स हैं दे आर डूइंग सच अ फैंटास्टिक थिंग, दे आर चेंजिंग लाइव्स, दे आर चेंजिंग द लाइफ ऑफ आवर कम्युनिटीज। एंड एवरी वन पर्सन हु इज एबल टू रियलाइज दिस ड्रीम, it brings Pakistan closer to that larger dream of being the community and the society we want it to be. Asfandiya, do you want to move to the questions that we have received from the viewers? Ji, ek sawal aaya hai, mere khayal se ye baat Sayed ne kiya hai aur ye sawal unhone kiya hai ki how much students think this pandemic has affected their studies. So mere khayal se ye sawal jo hai bachchon se dono se kiya gaya hai. Ji, Shabir, if you'd like to take that. शबीर आप बता सकते हैं कि ये पेंडेमिक से जो है आपकी तालीम पे क्या असर हुआ है अभी तक? अभी तक इस पेंडेमिक की वजह से मेरी तालीम पर यही असर हुआ है कि हम तो यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गए, हमारी जो पढ़ाई चल रही थी वो एक रुक चुकी है, हमें एक नए माहौल में डाल दे ऑनलाइन क्लासेस के, तो ऑनलाइन क्लासेस हम बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। एक बहुत बड़ी रकम थी जो हम पर खर्च की गई थी फीस के जरिए टीसीएफ की तरफ से, वो जाया हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, हमें घर पर बैठकर कोई पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। और ना सिर्फ मेरी और भी सारे तमाम स्कूल्स बंद हैं,
शबीर, इसमें आई एम सॉरी इफ आई मे इंटरप्ट, इसमें क्या कनेक्टिविटी का मसला आता है या आपको लगता है कि वो जो एक लेक्चरर से प्रोफेसर से बात की जा सकती थी, उनसे दोबारा पूछा जा सकता था, सवाल जवाब हो सकता था, वो एलिमेंट आपको मिसिंग लगता है? ऑनलाइन में मुश्किल दिक्कत क्या आ रही है सबसे ज्यादा? ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है, हमें वीडियो लेक्चर, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दिए जाते हैं, एक जो हम क्लास में बैठ के माहौल, क्लास वाला माहौल और उसमें बैठ के जो तालीम हासिल कर सकते हैं और फेस टू फेस जो सर से समझ सकते हैं, वो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं हो सकता। एक तो नेट का, हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी का तो बहुत बड़ा इशू है, नेट का सबसे बड़ा इशू है। एक तो बच्चे जो हैं वो, और हमारे अलावा भी और भी बच्चे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है वो ऑनलाइन में बहुत तंग करते हैं सर को, तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं। मुझे लगता है कि ये स्विच आने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा शबीर, बट कनेक्टिविटी का मसला काफी रियल है। अगर आपको वो क्वालिटी ऑफ लेक्चर नहीं मिल रहा होगा तो उस पर फोकस करना, उसको तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। हसीब, आप क्या कहोगे, COVID-19 ने तालीम और एजुकेशन को कैसे इंटरप्ट किया? यस मैम, शबीर ने बिल्कुल मतलब वो पॉइंट तमाम के तमाम रेज कर दिए, डेट इज वेरी सिमिलर केस टू शबीर के यहाँ पर, क्योंकि देखें TCF के जितने भी स्कूल्स हैं आप देखेंगे गालबन अल्हम्दुलिल्लाह TCF के जो स्कूल्स हैं वो 1600 का नंबर क्रॉस कर चुके हुए हैं। आप किसी भी TCF के कोई भी स्कूल, आपको TCF कैसा नहीं मिलेगा जो कि किसी शहर में हो, किसी अर्बन एरिया में हो, किसी वेल पॉपुलेटेड एरिया में हो। ऑल द स्कूल्स ऑफ द TCF आर इन द रूरल एरियाज दैट आर वेरी लेस प्रिविलेज्ड। तो यहाँ पे हम, जाहिर बात है TCF स्कूल्स उन एरियाज में हैं जो कि बहुत बहुत रूरल एरियाज के अंदर हैं और लेस प्रिविलेज्ड हैं, और उनकी, उनके जो लुमिनल्स हैं वो भी उसी कम्युनिटी के अंदर जो है वो अपनी बेसिस रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेस प्रिविलेज्ड एरियाज में वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ द कनेक्टिविटी, हमें कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इशू है। वी डू नॉट हैव द ये जो हमारे पास पावर सिग्नल्स हैं, इनका हमें बहुत ज्यादा इशू होता है। दूसरी बात यह है कि वो क्लास एनवायरनमेंट हमारे पास नहीं रहा है, वी मूव टू द सेल्फ पेसिंग, हम सेल्फ पेस स्टडी की जानिब चल पड़े हैं, और आई थिंक ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज द बिलिस्टिक स्टडी, जो कि अनगाइडेड एक तरह से एक स्टडी है। तो ऑब्वियसली वी आर स्विचिंग फ्रॉम क्लास एनवायरनमेंट टू द डिजिटल क्लासेस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट एंड बिगनिंग ऑफ डिजिटाइजिंग द एजुकेशन। तो अभी तो मुश्किल तो बिल्कुल है, लाजमी तौर पर किसी मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रप्शन जो है ये अभी क्योंकि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स के लिए भी नहीं है, तो वो खुद भी इस पे जो है वो अभी जूझ रहे हैं और जरा इनोवेशन की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनिंग अस्पंदिया जो आपने शुरू में बात की थी, आई थिंक वन ऑफ द पिलर्स, और हमारे यहाँ काफी इस पे डिस्कोर्स होता है कि क्लासरूम में भी पढ़ाने के लिए जो स्किल्स है, जो एक एक्सपर्टीज, जो एक पेडागॉजी के बारे में चीजें पता, वो टीचर्स को उस एनवायरनमेंट का, फिजिकल एनवायरनमेंट का भी नहीं था। नाउ टू ट्रांसलेट दैट इट्स अ फर्दर, यू नो, इनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे हसीब वर्ड टर्म यूज किया बैलिस्टिक स्टडीज का, कि आप एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह जाते हैं। आई थिंक इट इज मोर अबाउट नाउ बीइंग अ लीडर। पहले ना हम काफी अरसे थे इस बात पे भी लड़ते रहे कि भाई एक शेपर्ड लाइक ट्रीटमेंट मिलती है, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चल रहा होता है ना, कि वो सारों को, भेड़ को एक साथ लेके चल रहा होता है। अब मेरे ख्याल में द शीप हैज टू नाउ बिकम द लीडर। अब आपने खुद अपने लिए काम करना है, यू कैन नॉट बी इन द फॉलोअर्स लिस्ट। मैं आपको बताऊं, और ये सबसे माइक्रो स्केल से लेके बड़े स्केल तक है, जितने बड़े बड़े अभी इस वक्त स्टार्स हैं उन पे बेचारों पे मजाक भी बन रहा है, इस बंदे के जोक बन रहे हैं कि इनका वाहिद कंसर्न ये है कि COVID-19 में, क्वारंटीन में इनको एक्टिव कैसे रहना है। हियर आई एम talking to my real stars, Haseeb and Shabir, जो कह रहे हैं यार पढ़ाई रुक गई है, जिंदगी रुक गई है। आई थिंक those are our real problems, we need to zero in. लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन जिम भी आ रहा है ना, तो लोगों से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, क्यों? क्योंकि हम इतने ज्यादा जहन बंद करके फॉलो करने की रूटीन में आ गए। ये डिस्ट्रप्शन जो सबसे बड़ी चीज करी ना, ये आपको झंझोड़ के वेकअप कर रही है। अब जो ना सारे बैरियर्स, मैं तो उसको लेती हूँ, आई पर्सनली सी इट एज ग्राउंड जीरो, कि अब जिसने निकलना है ना, कोई बड़ा स्कूल छोटा स्कूल नहीं है। अब आपके पास, आप एक रेस में खड़े हो गए, जो जितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा, जो जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा कि वो, अच्छा ठीक है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन रिसोर्स पे जाओ। ऑनलाइन नहीं समझ सकते, कोई तरीका, किसी से बात करें, आई एम श्योर पीपल विल बी अवेलेबल। बल्कि इनफैक्ट जो हमारे देखने वाले ना, एक बहुत बड़ा रूम है, जो लोग कह रहे हैं ना हमारे पास कुछ करने को नहीं है, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड बिकम मेंटोर्स। आई थिंक अस्पंदिया व्हाट वी कैन डू इज वी शुड स्टार्ट अ TCF मेंटोर्स ग्रुप,
people who are willing to stay at home and donate time, I will sign up first time. Yani koi aisa subject jo aapko lage ki I am capable of teaching, I will volunteer, I will give my time and I will sit with students. Ki acha ji recorded lecture nahi samajh aa raha, main thodi bahut jo bhi de sakti hu, I would love to do that. Great, thank you very much. Ek hum aakhri sawal jo hai wo lenge. और ये सिद्रा आपके लिए है सवाल, शायद अमीन सर जी आपके लिए है. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड सो फार और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? हमारे पास बस टाइम कम है तो बस आप उसका जरा सा देखिए. वेरी क्विकली आई फील के द चैलेंज दैट आई हैव फेस्ड द मोस्ट इज के हम जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा गुजार देते हैं दूसरों की परसेप्शन मैनेज करने में. एज बिजनेसेस भी जो मुझे लगता है सबसे रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमें दी जाती है कि somebody else's opinion about you is my problem. यानी मुझे मैनेज करना है कि हसीब मेरे बारे में क्या सोच रहा है, शब्बीर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, स्वंदियार मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते. आई थिंक हम अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी को, अपने रिसोर्सेस को, अपने जहन को, अपने थॉट्स को इस फजूल की सोच में लगाते हैं. आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं. अगर आपने जिंदगी के तल्ख हालात को डिफीट करना है और आगे बढ़ना है, और ये मुझे, मैं पर्सनली एडमिट करती हूँ, ये मुझे सीखने में गुज़िश्ता 5 सालों में ये मैंने ज्यादा सीखा है, दैट आई एम नाउ ओके विद बीइंग मिसअंडरस्टूड. किसी को नहीं समझ आ रही मैं क्यों क्या चीज कैसे कर रही हूँ, आई एम फाइन एज लॉन्ग एज कि मेरा दिल मुतमईन है, मेरा जमीर मुतमईन है. आप वो करें, बी गाइडेड बाय योर इंट्यूशन and do what is right by your standards. And this is exactly the purpose of education. Ke aap kisi ko follow na kare, aapka wo jo andar moral compass hai na, uski tuning sahi kar le. That's what I'd like to say. So, the most important opinion you can have is the opinion you have about yourself. Absolutely. Absolutely. Okay. Good. Main again, aakhir mein ek baar phir dobara se kehna chahunga ki hamara jo मैचिंग कैंपेन है वो कल फ्राइडे को जो है वो खत्म हो रही है. 3 हमारे जेनरस डोनर्स हैव ग्रेशियसली ऑफर्ड मैच 48 मिलियन रुपीस टुमारो रात 12 बजे तक के लिए ये अवेलेबल है. कल रात 12 तक आप ऑनलाइन डोनेशंस जो है वो दे सकते हैं. आप ऑफलाइन अगर पाकिस्तान में हैं तो आप चेक और कैश कलेक्शन जो है नंबर्स आ रहे हैं TCF US UK Canada के और पाकिस्तान में जो है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं 111-823-823 पे और वहाँ पे आप चेक कैश कलेक्शन जो है वो भी करा सकते हैं. आपके इन पैसों से जो है वो रिलीफ जो है जो फैमिलीज इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रही हैं उनके लिए रिलीफ का काम अदा करेगा. और दूसरा ये कि जो हमारे हीरोज हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करेगा सेफ्टी गियर पहुँचाने में. और जो एजुकेशन का तसलसल जो टूटा है लाखों बच्चों का उसको जारी रखने में हमारी मदद करेगा. पाकिस्तान के लिए 0800-00823 पे भी आप कॉल कर सकते हैं. आपके पास ताकत है भूखे पेट लोगों तक रोटी पहुंचाने की, आपके पास ताकत है हजारों हेल्थ वर्कर्स तक सेफ्टी गियर पहुंचाने की, आपके पास ताकत है हजारों बच्चों की तालीम का जो तसलसल टूटा है उसको जारी रखने की. सो रमजान के इस बाबरकत महीने में मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि दिल खोल के अपने एहतियात दें और यकीन जानिए कि अगर पाकिस्तान में बच्चे तमाम बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे तो मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं कि कम से कम आपको ज़कात पाकिस्तान में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपकी ज़कात जो है वो पाकिस्तान से बाहर जारी होगी. इंटरप्ट असंदेह मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी लोगों से कि हम इतना वक्त गुजारते हैं ये सोचने में कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है. तो अगर ये भी आपका कंसर्न है तो सोचिए कि क्या ही बात हो कि इफ somebody turns around and actually acknowledges you for the difference you have made. आपके सामने I once again want to salute the alumni of TCF जो इतने मुश्किल हालात के बावजूद आगे बढ़ती है. I want to salute the team of TCF for providing them with the opportunities and the baseline for doing that. और जितने friends and donors of TCF दुनिया भर में हैं, I think ये number please अगर पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं 0800-00823 is the number. इसके अलावा अगर आप US में हैं, UK में हैं, Canada में हैं, they are separate registration links to diye hue hain. Please listen to what Haseeb and Shabbir said. There is much more to life. वाकई जो बात की जाती है, आप किसी को राशन पहुंचाते हैं ये नहीं सोचते कि उसके शायद घर का किराया भी उसने अभी देना है, उसके
के घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी दवा भी आनी है, बच्चों की स्कूल की फीस भी जानी है. सो ऑल दीज आर यू नो ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं. और इस मुश्किल वक्त में जब इतनी बेयकीनी की फिजा है, हमें नहीं पता कि कल क्या होना है, उनकी मदद कीजिए जो सबसे ज्यादा मुस्तहक है. दीज नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम मोस्ट प्रिविलेज, आई थिंक इट्स माई हम्बल प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइव. एंड वंस अगेन गाइज लाइक जीना, पीपल लाइक हसीब एंड शब्बीर, they are truly our heroes. And I really, अगर हम इनके लिए कुछ भी कर सके, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं, प्यार के दो बोल सकते हैं, इनकी लर्निंग में इनको हेल्प कर सकते हैं, I think that is the time well spent. So people who are watching us, they cannot be a greater cause than this. So please donate globally. Thank you to our generous sponsors, जिन्होंने एक matching campaign का कहा है, जिन्होंने कहा है कि आप कल रात 12 बजे तक जितने पैसे रेज करेंगे, जितने भी हों, वो जो भी अमाउंट होगी उसको मैच किया जाएगा. सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग. एक और मैसेज भी आया, जुनेद खान का मैसेज आया स्पंदे यार, डू यू वांट टू रीड दैट आउट? आप पढ़े, मेरे पास एक अच्छा मेरे पास भी फॉरन चला गया. आई थिंक इट वाज टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द वर्क दैट टीसीएफ इज डूइंग. व्हाट अ ग्रेट कॉज, इट इज ट्रूली चेंजिंग लाइव्स, इट इज टचिंग हार्ट्स, एंड वी वांट टू सी हीरोज लाइक हसीब, शब्बीर, जीना डूइंग सो वेल. लेकिन जब आप खुद एक मुश्किल से निकल कर आगे बढ़ते हैं ना, तो एहसास ज्यादा होता है. एंड यू नो आई वुड लाइक टू से दैट ईच वन ऑफ अस हैज गॉन थ्रू द पेन, कि हमने किसी चीज को बहुत चाहा हो, प्लान बनाया हो, स्ट्रेटेजाइज किया हो, मेहनत की हो, फिर भी वो आपको नहीं मिलता. तो जरा एहसास कीजिए उन लोगों का जिनके लिए ये ऑप्शन ही नहीं है. जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉवर्टी इज अबाउट हैविंग जीरो चॉइसेस, बट यू कैन बी द चेंज, यू कैन गिव देम द चॉइस, यू कैन गिव देम द सपोर्ट दे नीड टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ. And that would be my message to you today. Thank you very much. With your permission, sir, I want to make a closing statement very quickly, if you allow me. जी जी. Sir, जैसा कि मैडम ने भी बात की है कि मैम सिद्रा ने कि मुश्किल से निकल कर आगे बढ़ जब बढ़ा जाता है तो एहसास ज्यादा होता है. So मैं I'm just representing my wish that I cannot be wait. I cannot wait to be a donor of TCF. मैं जो हूँ I want to be a donor of this year, inshallah. Wonderful. देखो दिस इज द काइंड ऑफ एम्बिशन एंड यू नो दिस इज द काइंड ऑफ एहसास जो आपके अंदर बेदार होता है. यानी आप कहने को इंसान अपने लिए, आई एम श्योर कि तुम्हारे दूसरे भी गोल्स होंगे, तुम शायद कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बनना चाहते होगे, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये है अभी कि आई वॉन्ट टू कम बैक एंड गिव बैक टू द इंस्टीट्यूशन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है. Absolutely. Thank you, Sip. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. And हमारी उम्मीद, हमारी आस जो है वो यही इन्हीं बच्चों से है कि इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो है ये न सिर्फ डोनर सपोर्टर्स वॉलंटियर्स होंगे बल्कि TCF की बागदौड़ भी जो है वो इन लोगों के हाथ में होगी. यही CEOs एंड जनरल मैनेजर्स और यही लोग आगे इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करे होंगे. असंदिया वेरी क्विकली, जो मैंने लोगों से कहा था प्लीज वॉलंटियर टू बी मेंटर्स, मेरे अपने पेज पे कोई 10 लोगों ने साइन अप कर दिया है हु वांट टू कम फॉरवर्ड एंड वांट टू बी मेंटर्स. सो जिसको जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, हम उसको जरा डिवाइड करते हैं और शब्बीर की और हसीब की इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे कि भाई मैं एक घंटा बैठ के लोगों को पढ़ाना चाहूंगी और उनको कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आ रहा जो मेरे से रेलेवेंट है, आई बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. बिल्कुल हमारा, बल्कि मैं आई विल शेयर दैट लिंक विद यू जिसमें वो अपनी सारी डिटेल जो है वो शेयर कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल बी कॉन्टेक्टेड. इंशाल्लाह सिद्रा, हसीब, शब्बीर, आप सबकी आपके टाइम का, आपके वक्त का, वेबिनार में आने का, पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया. ख्वातीन और हजरात जिन्होंने हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुना, देखा और अपना वक्त दिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर में मैं बस मेरा एक फैज साहब का बड़ा पसंदीदा मेरा शेर है जो मैं उससे क्लोज करना चाहूँगा कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. शाम ही तो है. ईद मुबारक टू एवरीबॉडी इन एडवांस बाय द वे. ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक हसीब, ईद मुबारक शब्बीर, सबको बहुत बहुत पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सबको ईद मुबारक. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.